उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और प्रदेश के नए डीजीपी सुलखान सिंह ने कानून हाथ में लेने वालों को ना बख्शने की बात कही है, लेकिन हिंदूवादी संगठनों पर इसका कितना असर पड़ा है इसकी एक नजीर आगरा में देखने को मिली है। बीती रात आगरा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के उपद्रवियों ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए पुलिस थाने पर हमला कर दिया। दरअसल पुलिस ने हिंदूवादी संगठनों के 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन्हीं लोगों को छुड़ाने के लिए ये लोग पुलिस थाने पर आ धमके और स्टेशन पर कोहराम मचा दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया तो इन लोगों ने एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली और एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी। दरअसल इस पूरे हंगामे की जड़ में गुरुवार को फतेहपुर सीकरी के तेहरा जैताना इलाके के नजदीक हुई मार्केट का मामला है। आरोप है कि सब्जी कारोबारी फूल कुरैशी और रिजवान के साथ हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। इसके बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। शनिवार को पुलिस इन आरोपियों को लेकर फतेहपुर सीकरी थाने पहुंची थी। इसकी भनक जैसे ही भगवा ब्रिगेड को लगी, ये लोग थाने के बाहर जुट गए और हंगामा शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इन लोगों ने थाने के लॉकअप को तोड़ने तक की कोशिश की, जिसके बाद नौबत पथराव और लाठी चार्ज तक पहुंच गई। प्रदर्शनकारियों ने संतोष कुमार नाम के एक पुलिस अफसर की बाइक में आग लगा दी और उसकी सर्विस रिवॉल्वर भी छीन ली। यह हंगामा देर रात तक चलता रहा। तो भगवा ब्रिगेड पर योगी की नसीहत का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। भगवा ब्रिगेड के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि वो अब पुलिसकर्मियों पर भी हमला करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ योगी क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। देखते रहिए डीबी लाइव।